धन्यवाद अरुण भाऊ विलास भाऊ बापू सत्कार की दे मैं शेखर बापू विनंती करूँ कि आशीर्वाद पर वो दी शब्द बोलिए। जगेर जगत जननी याडी मर्यामा गुरुरो भगवान प्रभु सेवालाल भगवान सेवालालेरो जो आपण केते ते चौथो अवतार जो गोर पुळे ना आपले ना जो ओळख करण दिनो गोरु न बचाडो गोरु न जो प्रभायम लायो जो गोर समाजे रो झंडा लगायो जो कोई सेवा भाय रो अवतार प्रभु रामराव बापू आज वंदना वंदन करण नतमस्तक करण आज जो ये कार्यक्रम जो लीधे गोर शिकवाड़ी आणि गोर सेना करता जो ये प्रोग्राम आता नाकेच ये प्रोग्राम अभिलोगूस ऑथोराइज आणि विदाउट परमिशन चाल रो तो आज वो प्रोग्राम आज जो ये संघटना ही संघटना कथित हो भी लिखित आणि रजिस्ट्रेड वेमेली और प्रमुख गोर शिकवाडी प्रमुख करण विलास भाऊ रामावत आणि गोर सेनारो प्रमुख ऑथोराइज प्रमुख अरुण भाऊ चव्हाण भोकर नांदेड आज जो ये प्रोग्रामेन बलाय ये प्रोग्रामेन धन्यवाद करू छू। आज समाजे में धर्म मोट मार्गदर्शन आणि समाजन मदद करेल खूब मोट गरज वो गरजेन वो समाजेर जो काही तळमळ देखन ये जो काही संघटना काम कर रहे जो कोण जे पदाधिकारी ये घण खुशी बात कि समाजे सार काम करे वाला घण कम लोग रच वो लोग कच बापू के तो जो कि जो समाजे सार काम कर रच वो उन जिस जगह देव रूपी जो उन भगवान वाट लगाओ तो ये आज जो समाजे सार काम करे सार जो इन दो तड़मल च ये तड़मले थी जो आता ये अरुण भाऊ आणि विलास भाऊ इंदूर जो टीम आता आमेली च आदिती उंदूर वो उद्घाटन आने जो ऑथोराइज आप लोग उस रखो ने वो संगठना वो आदिती उद्घाटन कर रहे थे गांव खुशी बात वाटी कि वहाँ कदत भी आप एक आरसा समाज मुंडा आप मांडन काम कर रहे थे बिना आरसा जर काम की दे तो और पाई खूब कई डाक पड़ा वो डागेन अपने धोता ही नहीं पण हे आरसा पण आपण आरसा जर समाज मुंड्यांक रिदे तो डागेन आपण कुसन लोक मुंड्यांक जर मांडे तो आपले पै वो डाग आहे नी वो डाग ना आणो करता नाही विलास भाऊ आणि हे अरुण भाऊ हे ऑथोराइज करण काम कर रहे आज वाच तो ये वाते ना आज कोहरा देवी थी आबेलुगुस काही लोक आणि इंदूर मार्गदर्शन न रेता काम चालू रह असो हमेन एक भार पण आप कसो रच एक कहावत नाही सुबह का बोला शाम को लौट आया तो उसो बोला नहीं कहते तो ये आधारे पई जे काही लोक आताने ये जो आज गोरूर काशी माहिती आज ये पवित्र कामेन सुरुवात कर रहे छे ये पवित्र कामेन घणो ये याडी मर्यामार सेवा भायर रामराव बापून आत्रास में एक प्रार्थना आणि वंदन करू छू कि येंदूर कामेन येंदूर समाजेर कामेन येंदूर घणो मोठ बळकट द
शक्ति द कि हजार संकट आओ तो भी संकट निवारण करे आंग शक्ति मलो मैं एक विचार करता है। एक बात पूछू मत मेना बापू एक बात के मेलो छ कि पोरागढ़ ची गुरूर काशी तोड़च लागो यम घरेरी फाशी जो कोई करी येरी हाशी और गले न लागी फाशी आत्रा वात केता ने मैं तमारी संगठना न अने ये शिवा भाई आपले गुरु में एक शक्ति मोटो देव छ ये देवे न आपा कनै न भूलो। दूसरी भी एक बात बापू कहते तो भाषण में तमसे लोग सामा मिले छो मार समाज ही भोड़ो भटको समाज छ ये समाजे न ये वेणो समाज छे छा भोड़ो समाज छ ये समाजे जर आप कती फसाया कती लुबाड़िया कती एंदूर जर गैर वापर करिया तो वोर पीढ़ी तो पीढ़ी को नहीं ओंदू न सात पीढ़ी नरकेम तो जाय ओंदू छे सके सात समय दरियर पर मलार रे वालो छे आसो रामराव बापूर बोल र ये बोले न मन हिंदू गंती एक आशा छ कि तम छ सके समाजे आचो काम करियो तमारी समाजे आचो कामे न मर्यामा शवाबाय रामराव बापूर तमे भरपूर आशीर्वाद रिय अन तमे आशीर्वाद समाजे कामे सार तमे पोरा देवी थी सब संत महंत मंडळी रो तमे कने सदैव तमे छ सके आशीर्वाद रे वालो अन तमे साथ रे वालो कने भी तम समाजे कामे सार आता हाक मारो हम तुम्हारे लार कनै भी हजर रिया कनै भी तुम्हारे सोबत रिया आदरा की जय शिवाला जय राम राम। धन्यवाद जगर बाबू तुम जे गोर सेना गोर सिकोडी आशीर्वाद पर हमने ना दी शब्द तुम्हारे आशीर्वाद स्वरूपी मांडे तुमने मणे गंती धन्यवाद दुसु आणि अंगेर कार्यक्रम में ना म विनंती करू छु रमेश बयान की अंगेर सूत्र संचालन ओ करिए धन्यवाद। धन्यवाद।